आप कैच द न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए एचडी। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एचडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। इस वीडियो को आपने थंबनेल जो हमारे वीडियो पे लगा हुआ था, एक गरीब आदमी भिंडी बेचता हुआ, उसको देख करके आपने ये वीडियो अगर खोला है और हेडिंग भी आपने देखी है, तो आपको आज जो बात करेंगे व्हाट्सएप के मैसेज से संबंधित, जिसमें आप जब एक व्हाट्सएप का मैसेज आपके पास आता है और आप उस मैसेज को देखते ही सिलेक्ट करने के बाद फॉरवर्ड बटन दबाने के बाद जो आपको 5 लोग लिस्ट में या ग्रुप में जिनके पास भी आपको भेजना होता है आप उसको मैसेज को आगे बढ़ा देते हैं। आज यहाँ पे उस भिंडी बेचते हुए आदमी की बात करेंगे जो सड़क पर भिंडी लगा के बेच रहा है। हमारे पास दीपावली होली में कभी किसी से पिचकारी खरीदने के लिए तो कभी दीपावली में एक दिया खरीदने के लिए कि आप इससे ही दिया खरीदें और कहीं भी मॉल वॉल में ना जाएं और गरीबों को ही पूरा अपना समर्थन दें। इधर उधर चाइना की मार्केट में बाज़ार में जा कर के लाइट ना खरीदें, ये ना करें, वो ना करें, ऐसे बहुत सारी पहेलियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं जिसको सुलझाने का ना टाइम होता है ना कुछ होता है, क्योंकि ये व्हाट्सएप की दुनिया है, फेसबुक की है। शेयर मारेंगे और आगे की ओर बढ़ाएंगे, लोग देखेंगे और हमें भी लोग कहेंगे कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया था। तो आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एक दिशा में कि कौन सी ऐसी दिशा है जो हमको किस ओर ले जाती है और कहाँ पे ला करके छोड़ देती है हमें मालूम भी नहीं चलता है। तो आज राजधानी की बात ले लीजिए कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार पटरी दुकानदार और फुटपाथ दुकानदार कहीं नहीं रहे, आप इनसे सामान कहाँ खरीदेंगे। हाई कोर्ट के आदेश होते हैं एम्बुलेंस रास्ते में ना फंसे वरना कड़ी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एम्बुलेंस में एक मरीज लेटा होता है और वो मरीज की जान को खतरा होता है, इस वजह से उसको तुरंत आप रास्ता दीजिए, लेकिन वो भी नहीं मिल पाता है। तो पटरी दुकानदार और फुटपाथ दुकानदार जो भी हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं, लेकिन उनसे कहाँ लेना देना है, हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज भेज करके आगे की ओर दिखाना है कि भैया गलती से भी अगर ये आदमी आपको मिल जाए तो भिंडी इससे ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि इसकी भिंडी जो है बहुत दिनों से रखी हुई है। तो क्या व्हाट्सएप पे शेयरिंग और फेसबुक के शेयरिंग से इस बुज़ुर्ग की समस्या ख़त्म हो जाएगी कि जो इंसान रोड पे दुकान लगा रहा है या कहीं पे भी कोई काम कर रहा है, तो क्या हमारी शेयरिंग से उसकी प्रॉब्लम दूर होनी है, ये हमें सोचना पड़ेगा, वरना हमें मॉल में या अन्य कहीं पे भी जा करके अंग्रेज़ों की तरह मॉल से जा करके सब्जी खरीदनी होगी, चाय भी अगर पीना होगा जो आप ठेले खुमचे में कहीं पे भी पी लेते होंगे, या भूख लगती होगी भटूरा खा लेते होंगे, पूड़ी खा लेते होंगे, खस्ता खा लेते होंगे, और पानी भी आपको फ्री में मिल जाता होगा आप पी लेते होंगे, लेकिन रेस्टोरेंट में जब जाते होंगे तो पानी की एक बोतल या एक पाउच आपको पानी का मिलता, आपकी जेब के अनुसार आपको सोचना होता है कि किस तरीके से हम अपनी जेब के अनुसार खाएं पिए और सारी चीज़ें करें। लेकिन जो फुटपाथ दुकानदार है वो आज बेरोज़गार है, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, सभी का काम चल रहा है। लेकिन आज जब हमारे पास ये मैसेज हमारे नंबर पे आया तो हमने भी सोचा कि इसकी सच्चाई, और जैसे हम हमेशा आपको अपने वीडियोज़ में दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से हम हर एक पक्ष विपक्ष के बारे में सोचते हैं, वो चाहे राजनीति हो, चाहे वो आपका क्राइम हो, और चाहे वो जन समस्याओं से संबंधित कोई भी खबर हो, हर एक के घर में एक परिवार होता है, उसके अंदर कम से कम 7-8 लोग होते हैं, पता नहीं कैसे गुजर बसर चलता है। किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो लाइन लगी हुई है सरकारी नौकरियों की, और किसी के घर में अगर कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो उसको प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है और वो रोज़गार के लिए दर बदर भटक रहा है। तो कभी कदार हम भी सोचेंगे कि अगर किसी एक की फ़ोटो आ जाए कि भाई साहब ये बेरोज़गार है, इसका ये अकाउंट नंबर है, इसके अंदर आप अकाउंट में इसके कुछ पैसा डाल दीजिए, अगर 1-1 रुपये भी डाल देंगे तो 1,30,00,000 आबादी अपने देश की, तो सोचिए कि 1.25 करोड़ आबादी वाला अपना देश
एक आदमी को कितना बड़ा बना सकता है, बस सिर्फ एक उसके अंदर एक अकाउंट नंबर की ज़रूरत है, एक एक रुपए लेकर के लोग पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। और भैया ये हमारी YouTube की दुनिया है, हम आपके सामने हर समय एक नया मुद्दा लेकर के आते हैं और एक नए मुद्दे के साथ में हम आपसे एक बात ये ज़रूर कहते हैं कि देखिए हमें मजबूत बनाने के लिए एक आपको शेयर करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे बेल आइकन को भी दबाना होगा और चैनल को लाइक भी करना होगा। और जो आप इस समय सोच रहे हैं वो अपनी बहुमूल्य राय इस वीडियो पे देना मत भूलिएगा, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां राजधानी में हाई कोर्ट के सामने ही उड़ती दिखी। हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के अनुसार एम्बुलेंस को रास्ता पहले मिलना चाहिए। जाम के झाम से निपटने के लिए हाई कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट के सामने ही धज्जियां उड़ती दिखी। नवाबों के शहर में जल्दी जल्दी के चक्कर में मरीज की जान के साथ यातायात व्यवस्था खिलवाड़ कर रही है। ये घटना केसरबाग हाई कोर्ट की है जहां आधे घंटे से एम्बुलेंस फंसी रही और नवाबी शहर में नवाबी खोती हुई सी दिखी। HT News Bureau।